व्यूवर जी, लैपटॉप है, इसके लैपटॉप की एलईडी का ये वाला मसला है। जो भी डिस्प्ले कलर की आ रहे हैं प्रॉब्लम वो आ रही है, पिंक आ रहे हैं। डिस्प्ले इशू है। इसका डिस्प्ले इशू है, अभी हम इसको कंफर्म करते हैं, फिर चेक करते हैं क्या कोई फॉल्ट डायग्नोस्ट होता है इसका। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और अभी एक और लैपटॉप मेरे पास आया है, उसमें कुछ डिफरेंट किस्म का मसला है, वो जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। उसके डिस्प्ले का इशू आ रहा है। डिस्प्ले का इशू क्या आ रहा है, ये लैपटॉप मैं आपको ऑन करके चेक करा देता हूँ। लैपटॉप ऑन किया है इसका, ये देख लें, ये रेड कलर सारा इस पर आ रहा है। इसको प्रॉपर तरीके से पिक्चर नहीं आ रही, कलर इशू आ रहा है इसका। तो इस लैपटॉप को खोलते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें ये इशू किस वजह से आ रहा है। तो व्यूवर्स, आगे बढ़ने से पहले, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, और मेरे चैनल को आपने बहुत प्रमोट किया इस लिहाज से। तो अभी नई आने वाली जो भी वीडियो होगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अब इस लैपटॉप को हम ओपन करते हैं, ओपन करके आपको बताते हैं इसमें क्या इशू हुआ। बैटरी निकाल लें।
ये इसका डिस्प्ले जैक है, डुअल स्क्रीन था लगा हुआ है। इसको निकाल के थोड़ा सा साफ कर लें। दोबारा से चेक को फिर हम लगाएंगे प्रेस करके। ऑन ऑफ वाला स्विच वाला सिर्फ हम जैक लगाएंगे पहले। ये चेक तो हमने चेंज कर लिया, लेकिन एलसीडी किस तरफ जो इसकी केबल गई है उसको भी हम चेक करेंगे। इसके पहले हम ये चेक उतार लेंगे। ताली काली एलसीडी को हम निकाल के इसके नीचे जैक लगा होगा उसको हम चेक करेंगे। हिंजेस लगी हैं साथ। इसका ये नीचे जैक लगा हुआ है, इसको हम आराम से निकाल लेंगे। पहले निकला है, इसको भी हम साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद दोबारा हम इसको लगा के इसको उसी तरीके से हम प्रेस कर देंगे।
आना फला से चेक लगा के उसको चेक करेंगे। इसका डिस्प्ले ओके हो चुका है। आपको दिखाने का मकसद ये था कि इसके जस्ट ये था कि इसके दोनों तरफ जो आपका जैक लगा होता है, जैक को निकाल के आप उसकी पिन को ट्रेस होल या साफ़ करके, साफ़ करने के बाद उसको लगाएं। तो आपको दिखाने का मकसद ये है कि पहले जो डिस्प्ले आ रहा था वो किस तरह का आ रहा था, अभी जो डिस्प्ले आ रहा है वो बिल्कुल ओके कंडीशन में आ रहा है। इट्स मीन कि इसका मतलब ये है कि आपने इस केबल को मतलब सबसे पहले चेक करना है। कार्बन का मसला था, अभी हम इसको दोबारा से बंद कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताता चलूं कि लैपटॉप्स में ये अभी जो आपको मैंने इशू बताया था, इस इशू का सिर्फ जस्ट ये मतलब था, जो मैंने उसके कनेक्टर वगैरह को साफ़ किया है, उसका साफ़ करने का मकसद यही था कि ये सम टाइम ये कि कार्बन वगैरह आ जाता है, कनेक्टर वगैरह लूज़ होता है या कुछ होता है, जिस वजह से ये है कि ये डिस्प्ले में इशू आना शुरू हो जाता है। तो आप किसी शॉपकीपर के पास जाएंगे तो ज़ाहिर बात है ऑटोमेटिकली वो कहेगा जी इसकी स्क्रीन ख़राब है और स्क्रीन रिप्लेस करने का आपको कोट कर देगा। इसलिए गाइड्स मेरे हतुल वसा जो कुछ हो सकता है मैं आप लोगों के इसलिए गाइडलाइन करता हूँ ताकि आप लोग इन चीज़ों को ईज़िली घर पे भी मैनेज कर सकें और ख़ुद भी इस काम को कर सकें। और काम इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप करना चाहते हो तो ईज़िली कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अपनी और वीडियोज़ भी बनाता रहूँगा और आप लोगों के साथ नई कोई भी इश्यूज़ आ रहे होते हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो इस लिहाज से ये है कि आप लोग जो है ना इस चीज़ को देखते रहें और मेरे चैनल को भी देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू आए ये फ्रंट पैनल हमने सी पैनल को जस्ट लगाया था पावर बटन के लिए लगाया हुआ था, इसको उतार लेते हैं पहले ताकि इजीली हम इसको क्लोज कर सकें। के बाद ये हिंजेस हम ये कवर हम इसके हिंजेस पे लगा देंगे।
ये हो गया। अब इसका हम टॉप कवर लगाएंगे। सी पैनल पैनल भी हमने लगा दिया ऊपर। अब इसकी जो केबल्स वगैरह हैं वो हम स्टेप बाई स्टेप वो सबसे पहले जैको में लगाएंगे। बस थोड़ी थोड़ी शार्ट शार्ट बढ़ा ना मैं बस ये। उठा के ये हमने सारा बंद कर लिया। बंद करने के बाद अब हम इसको दोबारा से चेक करेंगे। ये देख लें व्यूअर्स, इसका डिस्प्ले बिल्कुल ओके है। तो व्यूअर्स, आज की ये वीडियो ये आप लोगों के साथ शेयर की है, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ भी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। मेरे साथ मेरे पास जो भी नया इशू या कोई छोटा मोटा जो भी इशू आ रहा होता है, मैं आप लोगों के साथ इसी तरह गाइड वजह शेयर करता रहूँगा। तो इस लिहाज से ये है कि अब इस लैपटॉप में जो इशू था वो मैंने आप लोगों को शो करा दिया है कि इसमें इतना मेन प्रॉब्लम नहीं था, जिसकी वजह से इसका प्रॉब्लम एक छोटा सा था, लेकिन ये है कि जस्ट आपको चेक करने का तरीका आना चाहिए, उसमें कार्बन की वजह से ये डिस्प्ले में इशू आ जाता है। तो इसी लिहाज से आगे भी मेरे आने वाली और वीडियोज़ हैं जो छोटे छोटे
प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। इसी तरीके से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें और मुझे प्रमोट करते रहें ताकि मुझे और वीडियो बनाने में भी ईजी हो और मैं खुशी से बनाता रहूँ। तो व्यूवर्स अपना ख्याल रखिएगा। ओके व्यूवर्स, खुदा हाफिज़।